चलो अब हमने यहाँ के सबसे पुराने ढाबे पे अपना लंच कर लिया है, पेट बहुत ज्यादा भर गया है, तो आप लिटरली डोंट नो आगे चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। चलेंगे, जय माता दी करेंगे। चलो जय माता दी। तो गाइस वेलकम ऑल टू आर न्यू सीरीज, जहाँ पे आज हम लोग पूरी फैमिली मिलके जा रहे हैं वैष्णो देवी, और साथ ही आपको इस वैष्णो देवी वाले सीरीज में हम आपको दिखाएंगे जम्मू के कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस, जो कि अगर आप वहाँ पे जाए तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑल्सो गाइस हम आप सबको थैंक्स करना चाहेंगे कि आपने हमारे पिछले मनाली सीरीज और उस पर बने बोनस व्लॉग के तो ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये व्लॉग। तो गाइस हम लोग अभी पहुंच चुके हैं मूरथल, और अमरीश में तो रोका नहीं इसने, ये इसने साहिब में रोका यार इस बार। चलो कोई बात नहीं, तो हमारी जो बस थी वो थी लक्ष्मी हॉलीडेज, जो कि हमने स्लीपर बस करवाई थी, और हमारे को पड़ी थी समवेयर अराउंड 800 रुपीज। तो अगर आप भी आ रहे हैं तो आप भी लक्ष्मी हॉलीडेज से यहाँ पे बुकिंग करवा सकते हैं। और ये कोई प्रमोटेड, ये ऑब्वियसली प्रमोटेड नहीं है। तो पीछे भी साहिब ढाबा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स का हॉल्ट है, और उसके बाद हम लोग चलेंगे स्ट्रेट अवे टू जम्मू कटरा। और फिर देन हम लोगों ने गाइस पहले ही यहाँ पे आने की टिकट करवा ली थी, वैष्णो देवी पे जाने की टिकट करवा ली थी, जो कि आप श्राइन बोर्ड ऑफ वैष्णो देवी से भी आप टिकट करवा सकते हैं। टिकट के डिटेल और कहाँ से टिकट्स करवानी है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और श्राइन बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पे भी जाके आप ना रजिस्टर्ड करा सकते हैं, तो आप थोड़ा टाइम सेव कर लोगे और वहाँ ना आपको भीड़ में लगना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, और दिखाती हूँ कि अगर आप भी अपनी वैष्णो देवी की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप भी कैसे ऑनलाइन अपनी बुकिंग सारी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाके लिखना है श्राइन बोर्ड, और वहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट वेबसाइट आएगा वो होगा श्री माता देवी श्राइन बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये वेबसाइट स्पेसिफिकली खुला है ताकि यहाँ पे यात्रियों को कोई भी सुख सुविधा में परेशानी ना हो। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, और अब खुलेगा यहाँ पे श्राइन बोर्ड ऑफ वैष्णो देवी का ये ऑफिशियल वेबसाइट। तो गाइस इस वो ऑफिशियल वेबसाइट में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि आप जहाँ पे अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं, और भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ को यहाँ पर आप अवेल कर सकते हैं, जैसे कि एकोमोडेशन, शेल्टर, यहाँ पे क्लॉक रूम, अगर आपको ब्लैंकेट्स लेनी है तो वो भी आप पहले बुक करवा सकते हैं। आपको इस वेबसाइट पर सबसे पहले जाना है ऑनलाइन सर्विसेज में, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दिखेगी उसको पढ़ते हुए आपको लास्ट में आना है, और आपको आई एग्री एक्सेप्ट ऑल दी टर्म्स एंड कंडीशन करके एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक पॉपअप विंडो आया है, बट आपको उसको क्लोज कर देना है, और आपको सबसे पहले इस वाले लॉगिन डिटेल्स पे आ जाना है। तो अगर आपने पहले से लॉगिन कर रखा है तो आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड आईडी डालें और आप लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से यहाँ पे लॉगिन कर रखा है तो इस वजह से मेरा यहाँ पर एक अकाउंट बना हुआ है। अगर आपने नहीं कर रखा तो आप न्यू यूज़र पे जाके आप साइन अप करिए, और यहाँ पे अपनी सारी रजिस्ट्रेशन डिटेल डाल दीजिए, जैसे कि नेम, सिक्योरिटी क्वेश्चंस, आंसर्स, आपका जो भी जेंडर है, ऑक्यूपेशन, ईमेल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनलिटी, एड्रेस, सिटी, कंट्री, स्टेट, जिप, फ़ोन नंबर, और ये वाला आपको यहाँ पे कैप्चा भर के देन आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपके मेल पे कंफर्मेशन मेल आएगा जिसको आपको एक्सेप्ट कर देना है। तो गाइस जैसे कि मैंने अपना ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगी, और अब मैं चलूँगी वापस वेबसाइट पे, और मैं यहाँ पर डालती हूँ अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, एंड मैं कर दूँगी इसको लॉगिन। और लॉगिन करने के बाद अब ये खुल गया मेरा पोर्टल। तो आप जैसे कि यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, अगर आप चाहें तो ऑनलाइन डोनेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी यात्रा पर्ची भी डलवा सकते हैं, आप आरती के दर्शन कर सकते हैं, आप हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे पहले से बुक करवा सकते हैं, रूम बुकिंग करवा सकते हैं आप अपने अर्थ कुंवारे पे, और अगर आपको इंडिविजुअल वहाँ पे पूजा करना था वो भी कर सकते हैं। तो हमारे को सबसे पहले जाना है यात्रा पर्ची पे, और जैसे कि पोर्टल का ये पेज खुल चुका है, आपको यहाँ पे डालना है नंबर ऑफ डिवोटीज। तो अगर आप एक हैं, दो हैं, तीन हैं, पाँच हैं, मैक्सिमम यहाँ पे 5 डिवोटीज तक की एक बार में होती है रजिस्ट्रेशन, तो अभी हम 5 नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ 1 करेंगे, और मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि कैसे आपकी यात्रा पर्ची बन कर आएगी। तो आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है, सपोज मैं करती हूँ यहाँ पे 9 अप्रैल, एंड देन आपको देखना है यहाँ पे गेट अवेलेबिलिटी, और गेट अवेलेबिलिटी के बाद आपको यहाँ पे करना है जो भी आपको डेट चाहिए, आपका ये नंबर होगा, आपको उस डेट के अकॉर्डिंगली आपको बुक नाउ करना है, और बुक नाउ करने के बाद पे आपको अपना नेम डालना है, जैसे कि मेरा नाम है रूपाली, आपके फादर का नाम डालना है,
और आपको अपना जेंडर डालना है, उसके बाद फिर एज, और जैसे कि अगर आपके आधार कार्ड है, पैन बुक है, क्रेडिट कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, आप कोई भी एक प्रूफ यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये है आधार कार्ड, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। तो गाइस जैसे कि मैंने अपना ये यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया है, और मैं करूँगी इसके बाद प्रोसीड टू बुक। तो दोस्तों प्रोसीड टू बुक करने के बाद आपको मिलेगा ये ऑनलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन का ये पेज, जहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स ऊपर डली हुई हैं, और आप यहाँ पर करोगे अपने कैप्चा को यहाँ पर टाइप, और उसके बाद करोगे जनरेट यात्रा पर्ची। तो जैसे आप करोगे जनरेट यात्रा पर्ची, तो गाइस ये मेरी ऑनलाइन यात्रा पर्ची बन के आ चुकी है। तो गाइस ये वाले बारकोड को वो स्कैन करते हैं, जहाँ पर आपकी सारी की सारी बुकिंग से रिलेटेड यात्रा की डिटेल्स वहाँ पर श्राइन बोर्ड पर रजिस्टर्ड हो जाती है। तो ये थी आपकी श्राइन बोर्ड के थ्रू ऑनलाइन यात्रा पर्ची करवाने की डिटेल। सो या दिस इज आवर लक्ष्मी हॉलीडेज। तो अब हम फटाफट हम लोग अपना डिनर करते हैं, बिकॉज हम बिना खाए निकल चुके थे, तो भूख लगी है। यार वैसे भी टाइम कम था, तो हम बिल्कुल भागते भागते बस हमने बस पकड़ी है। ऑन द स्पॉट शायद 6 बजे हमने प्लान किया, और अभी हम 8:30 बजे बस में है। इतना शॉर्ट नोटिस पे प्लान था ये। तो अब फटाफट हम लोग डिनर करें, चले चलो यार चलो। चलो अब आपको दिखाते हैं साई ढाबा के अंदर। और हमने क्या क्या चीजें ऑर्डर करा है भाई? हमने बहुत सारी चीजें ऑर्डर की, हमने 2 आलू प्याज पराठा, हमने बोला हमने ऑर्डर किया है 2 आलू प्याज पराठा, 2 मसाला डोसा, 1 मैंगो लस्सी, राजमा चावल और 1 दाल मखनी, और 1 कुचोई और सब्जी है मिक्स वेज। क्या लग रहा है 20 मिनट में आ जाएगा ये? भाई मेरे को नहीं लग रहा 20 मिनट बस हमारे साथ ऐसे ही होगा जो हम टास्क दिए 20 मिनट का टास्क पूरा करके दिखाओ। जैसे कि गाइस अभी हम लोग ने अभी भागते भागते अपनी लक्ष्मी हॉलीडेज वाली पकड़ी थी, लग रहा है इस बार भी ऐसे ही होगा भाई। हर बार ऐसे होता है, हर ट्रिप की शुरुआत हमेशा ऐसी होती है भागते हुए दौड़ते हुए। दोस्तों अभी हमने कभी ना यहाँ ट्राई नहीं किया, तो हमारा हमेशा पॉइंट रहता था या दिल्ली से निकलते साथ ही सुखदेव या हवेली, तो हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम है। हम टेस्ट करते हैं, आपको रिव्यू बताते हैं कि कैसा रिव्यू। देखो इतनी टाइम में तो आ भी गया। क्वांटिटी तो काफी सही लग रहा है ना यार? मैंने तो अपना किंग साइज पराठा मंगवाया है, वाइट बटर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और पिकल्स के साथ, तो ये खाते हैं और आपको बताते हैं कैसा। तो बिल्कुल मक्खन मार के पराठा खाना है सर, बिल्कुल पंजाबी फील आ जाना भी है इस खाने तो फाइनली हमारे सारे के सारे डिशेज आ गए हैं। तो ही इज आवर नेक्स्ट कंपेनियन हमारे यहाँ से नीरज। नीरज से हाय। पापा कैसे हैं? बस एक नंबर मुंबई भाषा में। मम्मी घर जैसा है बिल्कुल? हाँ, एक नंबर। अरे यार अमरीका, अमरीका अगर हम जा रहे हैं तो अमरीका की जगह पे ये वाली जगह भी हम चूज कर ही सकते हैं। हाँ ये ऑल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है। और अच्छा ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है, रश नहीं है तो थोड़ी बात। कितने का बिल हुआ आशीष? 1145। सही है यार 1000 में तो। हाँ हाँ बढ़िया, और टेस्ट भी अच्छा था। हाँ। और क्या लिया था यार? एक मैंने मैंगो लस्सी भी ऐड कराई है, अपने ड्राई फ्रूट वाली फेवरेट यार। अच्छा। एक पहले हम कॉलेज के टाइम में यहाँ से एक मैंगो लस्सी लेते थे, निफ्टन से कभी कभी आते थे, और दिल्ली तो उतने में पारा हो जाता, 20 मिनट चलती थी मैंगो लस्सी, तो अभी वो दोबारा याद आ रही है। बढ़िया बढ़िया, तो अभी वाली मैंगो लस्सी का है? आ रही है। पेट में तो नहीं है ना ये वाली? दिखेगी। और नीरज कैसे का खाना? बढ़िया बढ़िया था। नीरज सेटिस्फाइड नहीं है अभी थोड़ा सा। ये अमरीक में खाना था क्या? अरे ओवर हाइप जगह यार।
और ये देखो मैंगो लस्सी लाता हुआ मिल गई। चले नहीं तो फिर से छोड़ देगा वो छोड़ेगा तो इस बार ना उसको, इस बार हम उसको छोड़ देंगे। अगर उसने छोड़ दिया दिल्ली में हमारा लक्ष्मी हॉलीडे जिसमें हम जा रहे हैं एंड आपको हम मंदिर का दिखाते हैं। चलो चलो पापा चलो। तो हमारी है D5, 6 and 7, 8 and 10। मुझको शेयर करेगा क्यों? हाँ अरे यार मेरे को ही पसंद है मैंगो। थैंक यू। तो दोस्तों जम्मू में एंट्री करने के लिए हमें लखीमपुर बॉर्डर से अंदर घुसना पड़ता है। तो हम यहाँ सुबह सुबह आए तो जम्मू की एंट्री पे लखीमपुर बॉर्डर पे यहाँ कोविड टेस्ट हो रहा है और ये सारे कोविड टेस्ट की लाइन और यहाँ उनका फटाफट मिल गया। और अभी जस्ट मैंने अपना कोविड टेस्ट कराया तो आई एम नेगेटिव। तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं आगे का व्लॉग। चुकी है वैष्णो देवी में और हमने आज के साथ यहाँ पर ML पैलेस होटल में थोड़े टाइम के लिए स्टे करा बिकॉज क्योंकि हमारे को अब बस फटाफट फ्रेश हो गया हमें निकलना था और हमारे को आगे जाना था माता की चढ़ाई के लिए आगे हमें चलना था। तो फिर अब हम लोग फ्रेश हो चुके हैं एंड नाउ वी आर स्ट्रेट अवे गोइंग टू कटरा मेन मार्केट एंड वहाँ पर हम थोड़ा बहुत अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। ऑल्दो अभी बज रहे हैं 1 लेकिन हाँ वो लंच का टाइम हो गया है तो लेट्स गो। लंच करा मनोरंजन ढाबा पे तो कैसा लगा? यार बढ़िया था एक्चुअली। हमें भी यहाँ आगे पता चला कि मनोरंजन ढाबा जो है ना ये सबसे पुराना ढाबा है यहाँ का। तो जिस हिसाब से बताया गया था उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन के हिसाब से खाना भी बढ़िया है और रेट भी ठीक है। और नीरज तुमको पता है क्या ये कुछ 40 साल पुराना ढाबा था? सीरियसली? हाँ पता नहीं था मुझे। तो चलो अब हमने यहाँ के सबसे पुराने ढाबे पे अपना लंच कर लिया है। पेट बहुत ज्यादा भर गया है तो आप लिटरली डोंट नो आगे चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। चलेंगे जय माता दी करेंगे। चलो जय माता दी। चलो जय माता दी। मम्मी बोलो जय माता दी। जय माता दी। खा तो खाई के पान बना रहे साला। मजे अरे फोटो तो निकालो। <थी
तो अब हम लोग गाइस जा रहे हैं यहाँ पे पिक खिंचवाने के लिए। तो जब तक आप दर्शन करके आएंगे तब तक यहाँ पे आपको पिक भी मिल जाएगी। कितने का पड़ रहा है आशीष? अलग अलग साइज है, अलग साइज। हम कौन सा साइज का ले रहे हैं? पता नहीं, 8-12 ले रहे हैं और 150 का पड़ रहा है। अच्छा, क्या हो गया? शू वाइट है, स्लीपर वाइट? स्लीपर वाइट है भाई। ओहो, यात्रा तो शुरू होने देते यार। यात्रा हो जाएगी, यात्रा शुरू होगी। पॉजिटिव है, पॉजिटिव नोट है, पॉजिटिव नोट है। चलो, और पीछे इतने सारे अखरोट लेके बैठे हो, कितने का दोगे? ले लो मैडम, भर लो। भर ले अपनी श्रद्धा के अनुसार। तो दोस्तों, इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं एंड आई होप आपको ये व्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड आपको अच्छा लगा हो तो डू हिट दी लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और साथ ही आप इस पूरी सीरीज़ के एंड तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि इस सीरीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें हम आपके सामने लेके आने वाले हैं। तो आने वाले व्लॉग में हम आपको ले चलेंगे अर्थ कुआनी तक, वो भी नए ब्रांड न्यू रास्ते से, और दिखाएंगे कि कितना सुंदर और सीनिक है वो रास्ता। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, बी सेफ।